आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वीडियो वीपीडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर एसटीएफ ने किया बड़ा खुलासा। हरिद्वार में कांवड़ियों की बाइक में लगी आग, 12 से अधिक मोटरसाइकिलें जलकर राख। अवैध प्लॉटिंग मामले में अधिकारियों पर गिरी गाज, डीएम ने 4 को किया निलंबित। रुद्रप्रयाग डीएम ने मेधावी छात्रों को किया सम्मानित, कहा जिम कॉर्बेट संग्रहालय को दिया जाएगा विशेष स्वरूप। किच्छा में उत्तरांचल मुस्लिम यूथ मोर्चा द्वारा लगाया गया स्वास्थ्य कैंप। हल्द्वानी के डॉक्टर महेश का शव 1 महीने बाद तारसर झील से हुआ बरामद, ट्रैकिंग के दौरान हुए थे लापता। राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पर अवैध प्लॉटिंग और भूमि कटान की शिकायत का जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद तत्काल कार्यवाही करते हुए 4 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने राजपुर रोड स्थल का निरीक्षण समेत मौके पर संबंधित अधिकारियों को तलब किया। जिलाधिकारी ने प्रथम दृष्टिया में अधिकारियों की लापरवाही पाई, जिसके बाद तत्काल ही निर्माण कार्यों को ध्वस्त कराया, साथ ही लापरवाह अधिकारियों को निलंबित कर दिया। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में कांवड़ियों के स्वागत के लिए खानपुर विधायक उमेश कुमार ने हर की पौड़ी और आसपास के इलाकों में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। विधायक उमेश कुमार ने लक्सर से हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी और हरिद्वार में हर की पौड़ी, भगवान शिव की मूर्ति के अलावा तमाम घाटों, राष्ट्रीय राजमार्ग और कांवड़ पटरी मार्ग पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर और प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना करी। इस मौके पर जब उनका हेलीकॉप्टर हर की पौड़ी और आसपास के इलाकों में पुष्प वर्षा के लिए पहुंचा तो कांवड़ियों ने भी बम भोले के जयकारों के बीच उनका धन्यवाद किया। रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में एक नाबालिग और बच्चे की मौत के मामले में राजस्व पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अज्ञात के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला पंजीकृत किया है। साथ ही घटना से जुड़े पहलुओं को देखते हुए मामला रेगुलर पुलिस को सौंपने के लिए भी पत्र लिख दिया है। आपको बता दें कि बीते दिन जिला अस्पताल में एक नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया और कुछ ही समय में जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई थी। इस घटना में हालांकि अस्पताल प्रशासन ने जांच बढ़ा दी है, लेकिन राजस्व क्षेत्र होने के कारण राजस्व पुलिस ने भी कार्रवाई कर दी है। घटना से जुड़े क्षेत्र की राजस्व पुलिस चौकी में अज्ञात के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कांवड़ मेले के दौरान इस समय भारी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र के ओम पुल के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़ी करीब एक दर्जन से ज्यादा दोपहिया वाहनों में आग लग गई। देखते ही देखते बाइकें आग में जलकर राख हो गई। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर 1 बजे हरिद्वार ओम पुल के पास सड़क पर खड़ी एक दर्जन से अधिक बाइकों में आग ने हड़कंप मचा दिया। आसपास से गुजर रहे कांवड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि उन्हें सफलता नहीं मिली। तत्काल घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन भीड़ होने के कारण दमकल की गाड़ी को आने में समय लग गया। जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, तब तक बाइकें जलकर राख हो गई थी। गनीमत यह रही कि इस अग्निकांड में कोई कांवड़िया हताहत नहीं हुआ। चमोली के जोशीमठ स्थित हेलंग में टीएसडीसी और प्रशासन के द्वारा बीती 15 जुलाई को घास लाती महिलाओं को गिरफ्तार किए जाने का मामला तोड़ पकड़ने लगा है। कल हेलंग की घटना को लेकर प्रदेश के कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों के लोग महिलाओं के समर्थन में हेलंग पहुंचे। यहां पहुंचकर टीएसडीसी कंपनी के मुख्य गेट पर स्थानीय महिलाओं ने धरना दिया। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से प्रदेश के चमोली जनपद स्थित हेलंग में घास लाती महिलाओं से बदसलूकी का मामला चर्चाओं में है, जिसको लेकर कल कई सामाजिक संगठनों की ओर से सोशल मीडिया पर हेलंग चलो कैंपेनिंग चलाई गई थी, को लेकर प्रदेश भर से कई संगठनों से जुड़े लोग महिलाओं के समर्थन में हेलंग पहुंचे, जहां पान निर्माण कर रही कंपनी के द्वारा ग्रामीणों के चारागाह के ऊपर डंपिंग जोन बनाए जाने को लेकर विरोध दर्ज किया गया। प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन के द्वारा बीते दिनों गिरफ्तार की गई हेलंग गांव निवासी महिला मंदोदरी देवी का कहना है कि जिस स्थान पर कंपनी के द्वारा मलबा उडेला जा रहा है, वहां हमारे चारागाह है, जहां टीएसडीसी द्वारा पहले पेड़ काटे गए, जिनका कि हम लोगों के द्वारा तब भी विरोध किया गया। दूसरी ओर स्थानीय निवासी मनीषा भंडारे का कहना है कि टीएसडीसी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मिली भगत से खेल मैदान बनाने के नाम पर ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि कंपनी के द्वारा हमारे चारागाहों को बर्बाद कर डंपिंग जोन बनाया जा रहा है। मेरे पे पता नहीं क्या धोखा है वो समझ, और मेरे को कुछ पता नहीं धोखे में खाने में जाने का, ऐसे ही चिल्लाए रोई चिल्लाई, मेरी नजरी छूट गई, मेरे गाय में दूध निकालना, मेरे बच्चे आएंगे क्या करेंगे, वो क्या बोलेंगे, और मैं क्या बोलता कि अब मैं आता हूँ बहनों से यही होगा ना, मेरे को ये नहीं बोला था और मैं कुछ नहीं बोल सकती, मेरे को इतना बोलने का भी मौका नहीं था, पर आज मैं गरीब आदमी होकर मेरे को इतना छत्ता लिया, उन्होंने मेरे को ऐसा लुटा लिया। मैं तो जंगल से जा रही थी, मेरे को ही पता नहीं था यार,
ये लोग आ रहे हैं कि हम मेरे को पकड़ के ले जाएंगे। मैं जब जा रही थी तो मैंने वहाँ पर जाके बोला ही होगा ये भीड़ क्यों लगी है, मेरा गाँस मत छीनो, मैं तो घर जा रही, मेरा मकिंग क्यों डाले तुम, मकिंग क्यों डाले। मैंने मेरा 15 दिन नहीं 1.5 महीने से मेरा रोका था, तुमने क्यों डाला क्यों डाला, मैंने ऐसे ही बोला होगा। उन्होंने मेरे को पकड़ा कि साफ चले गए। मैंने कहा मेरे को जाने दो जाने दो जाने दो, मैंने गाय का दूध निकालना है, मेरी नातिनी घर में छूट रखी, वो तो गाड़ी में बैठा रखी थी, उन्होंने मेरी दूरानी ले गए वो वहीं पर उन्होंने पहले ही था। कि आप सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे हो? नहीं, कब्जा क्यों करना, मेरा है जंगल, हमें कहा तुम्हारा ही है पर हम यहाँ पर पर्यावरण कर रहे हैं, कब्जा क्यों करेंगे हम, है मेरा मकान बना रखा, कोई और थी दुकान बना रखी मेरी, है कब घास कर रहे हम, घास के लिए रो रहे हैं हम, है और क्या है, घास छीना तुमने मेरे से और क्या है, तो वही बोले आपको थाने में भी बैठा के रखा है? थाने में बैठा है उन्होंने, आधा 1.5 घंटा वहीं पर बैठा है, तब 6 घंटे जो थाने में बैठाया कुछ ने बोला उन्होंने, हमने कहा तुमने हमको यहाँ पर क्यों, तुमने तो सारा मकिंग डालवा दिया हमारे को, हमको यहाँ क्यों बैठा है तुमने, हमने ऐसा ही बोला। आपके साथ एक छोटी बच्ची भी दिख रही है? हाँ, मेरी नातिनी थी तो वो मेरी दीवरानी के साथ है, वो घर में थी तो दादी के साथ आ गई, उन्होंने बोला होगा कि प्रशासन आ गई वहाँ पर मकिंग डालने वाले आ गए, तब तो वो सारे लोग आए, मेरी बेटी भी आई। सर ये मामला ये है कि TSDC द्वारा वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है मकीन द्वारा, ये कुछ हमारी जनप्रतिनिधियों द्वारा मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है। पहले इन्होंने 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया, 7 जून को ये पेड़ काटना है, पेड़ काटने के हमने रोका, हम 3-4 बहनें थी माताएं थी उन्होंने पेड़ पे झपटा मार रहे थे हम, इन्होंने हमें हटाया गया, इन्होंने बोला तुम उसी कंपनी का खाते हो उसी कंपनी का करते हो, हमें धमकाया गया तुम्हारा भविष्य खराब कर देंगे ऐसे बोला गया, हमने फिर भी कोशिश करी पर इन्होंने पूरा रेंजर बुलाया गया, रेंजर यहाँ की रेंजर बुलाई गई, उनके द्वारा ये पेड़ कटवाए गए, इसमें तनु के पेड़ अनियार के पेड़ भनेर के पेड़ ये सारे सम्मिलित हैं। उस दिन के बाद भी हमने बोला पेड़ कट गए पर हम यहाँ पे भूधसाव नहीं, हम यहाँ पे मकिंग नहीं जाने देंगे, हमने 2 महीने तक लगातार हमारी कोशिश रात दिन वहाँ पे बैठे रहे, इनके द्वारा बार बार वहाँ मकिंग की गाड़ियाँ आती गई, हमारे द्वारा बार बार उन्हें मना किया गया, उनको यहाँ इधर लाया गया, पर 15 जुलाई को उन्होंने पूरी प्रशासन से ऐसा पूरी औद्योगिक बल के द्वारा हमें हटाया गया, हमें वहाँ से हटाया गया और उनके द्वारा यहाँ पर पूरा मकिंग डाला गया, पूरी मकिंग डाली गई, आप देख सकते हैं वहाँ पे ऑलरेडी भूदसाव हो गया है और वहाँ पे मेरी माता मेरी ताई जी मेरी माता जी खेल मैदान आप देख सकते हैं उस भूमि ढलान भूमि है, पहले वहाँ पे भूगर्भ विज्ञान आ जाए, भूगर्भ विज्ञान साइंटिस्ट आ जाए, जूलॉजिस्ट आ जाए, वो पहले कलश लोक संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रसिद्ध शिकारी और समाज देवी जिम कॉर्बेट और श्रीदेव सुमन की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने जिम कॉर्बेट मेमोरियल भवन में जिम कॉर्बेट की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद जिला पंचायत सभागार में दीप प्रज्वलन के बाद महान क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन और पर्यावरण प्रेमी आदमखोर बाघों के शिकारी जिम कॉर्बेट के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। आज गुलाबराय में कला संस्था की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इन्होंने जो निजी बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम बहुत अच्छा परफॉर्म किया उनको सम्मानित किया और इसके साथ ही टीचर्स अभिभावक भी आए हैं और साथ ही हमारे जो जिम कॉर्बेट प्लस श्रीदेव सुमन जी को याद किया है और जिम कॉर्बेट जी की याद पर जो एक यहाँ पर एक म्यूजियम तैयार किया जा रहा है उसके बारे में आगे क्या किया जाता है उसके काम भी है, तो निश्चित तौर पर बहुत इनिशिएटिव है, पहले की जो चीज़ें हैं उनको कैसे सही करके रख सकते हैं और साथ में आप आगे पीढ़ी के लिए क्या क्या किया जाता है। मेरा 93.4% रहा, मेरा कोई पर्सनल ट्यूशन नहीं था क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से मुझे है नहीं तो मुझे पर्सनल ट्यूशन सब्जेक्ट में मैंने जितना चाहा था उसमें कम ही नंबर आई, मैथ्स में मेरी कम नंबर थी तो मैं गर्ल में मेरा चाहती हूँ कि इंटरमीडिएट में मेरी और अच्छी नंबर आए और मैं टॉप क्वालिफाई है। फैमिली में कौन कौन है क्या क्या करते पापा में? मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर हैं और मेरी फैमिली में मैं मेरे पापा मेरी बहन हैं। अच्छा कैसा लग रहा है एक अच्छी छात्रा भी हुआ आप, क्या मोटिवेट करेंगे हम बच्चों को? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमें पढ़ाई ज़रूरी नहीं कि अगर हमारे पास कोई बैकग्राउंड ना हो अच्छा फाइनेंशियल ना हो तो हमें अपने सपना को रोक देना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हमारी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे अंदर जो हमारी खूबियाँ होंगी वो हमें कैसे करके आगे ले जाएंगी और हमारी बात।
किच्छा में कल उत्तरांचल मुस्लिम यूथ मोर्चा और उजाला सिग्नल सेंट्रल के सहयोग से निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन खटीमा के विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापी ने किया। उत्तरांचल मुस्लिम यूथ मोर्चा के अध्यक्ष दानिश इकबाल अहमद ने बताया कि सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने लगभग 300 मरीजों का चेकअप किया और कैंप में 100 लोगों की निःशुल्क शुगर की जाँच और 35 लोगों का निःशुल्क ECG किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापी ने कहा कि समय समय पर निःशुल्क कैंपों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे सभी को स्वास्थ्य लाभ का लाभ मिलना चाहिए। सोसाइटी द्वारा यहाँ पे कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों का मुफ्त जिला जो है जाँच हो रही है, दवाइयाँ भी दे रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए कि जिससे कि समाज में जो लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जो कुछ जानकारी का अभाव है, जिनके पास संसाधनों का अभाव है, उनको सुविधा मिल सके और उनका इलाज शुक्रिया समाज में होते रहना चाहिए। मैं इसके लिए धन्यवाद करूँगा इन युवाओं का, इनके अंदर ये जज्बा है और ये काम लगातार कर रहे हैं और इस समय पर लोगों की ये मदद करते हैं, चाहे घर देना हो, चाहे गरीब बच्चों को पढ़ाई को लेकर सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे बड़े वही बिल्कुल शांति जी बहुत लगातार लोग जो है परेशान है, खासकर अगर कांग्रेसियों की अगर मैं बात करूँ, परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी, ये लोकतंत्र पर विश्वास न करने वाले लोग, चुनाव जीतना हारना, ये जब दो योद्धा मैदान में आते हैं तो एक जीतता ही है। अगर जीत का आनंद लेने की जिसके अंदर क्षमता हो तो उसके अंदर हार को बचाने की क्षमता होती है, और हार के बाद जब चुनाव जाता है, बदला लेना, हमला करना, ये सब लोकतंत्र में जो है कि शोभा नहीं देता, राजनीतिक बदला है। और प्रशासन को इसमें जो है सख्त होना चाहिए, कदम जो है कठिन उठाई जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सभी जगहों पर जो बदले की भावना की राजनीति कर रही है, क्योंकि हमारे देश के लिए अच्छा ऐसा आने वाले समय के लिए बड़ा उम्मीद पर खड़े हो सकते हैं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ शाखा डोईवाला ने शासन प्रशासन और नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल को धन्यवाद देते हुए पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर धन्यवाद देते हुए सम्मानित किया। समस्त पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने से जहां पर्यावरण मित्रों में खुशी की लहर है, तो वहीं पर्यावरण मित्रों के लिए संघर्ष करने वाले प्रदेश संगठन अखिल भारतीय मजदूर सफाई संघ का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 500 रुपए बढ़ाए जाने का निर्णय लिया, लेकिन उससे बढ़कर इस बोर्ड के जो चेयरमैन है नगर पालिका डोईवाला की आदरणीय सुमित्रा मनवाल जी, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने तुरंत निर्णय लेते हुए इन गरीब हमारे सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हुए, उनके गार्जियन के रूप में, एक माता के रूप में इस सफाई कर्मचारी समाज को अपना बच्चा समझते हुए जो इन्होंने तुरंत निर्णय लिया, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि बोर्ड के माध्यम से आपने हमारे समस्त साथियों को 500 रुपये वेतन प्रतिदिन दिलाए जाने की अनुशंसा की, सिफारिश की, और उनको मिल भी गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ पहला वेतन प्राप्त हो चुका है हमारे सभी सफाई कर्मचारियों, दो मिल चुके। तो आदरणीय सुमित्रा मनवाल जी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, हमारी पूरी टीम, पूरा संगठन बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड के एक पर्यटक का शव हादसे के एक महीने के बाद अनंतनाग जिले के पहलगाम की हिमालय बर्फीली पहाड़ियों पर स्थित तारसर झील से बरामद हुआ है। पिछले महीने झील में डूबे उत्तराखंड के डॉक्टर महेश कुमार का शव पहलगाम के लादरवत के पास बरामद हुआ है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि डॉक्टर महेश के परिवार को सूचित कर दिया गया है और चिकित्सा और कानूनी कार्यवाही के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अगुवाई में विधायक और अधिकारियों समेत 12 सदस्यों की टीम 12 दिनों तक विदेशों का दौरा कर जैविक खेती के गुर सीखेगी, जबकि प्रदेश की जनता जानती है कि ये सिर्फ गुर सीखने के नाम पर सरकारी धन को ठिकाने लगाना और मौज मस्ती सैर सपाटा करना है। नेगी ने कहा कि जो प्रदेश लगभग 65 से 70 हजार करोड़ के कर्ज में डूबा हो और ब्याज चुकाने और वेतन इत्यादि के भुगतान के लिए बाजारू कर्ज लिया जा रहा हो, ऐसे विदेशी दौरा प्रदेश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। दरअसल सरकार ने अभी कृषि मंत्री गणेश जोशी जी की अगुवाई में 12 सदस्यीय दल को 10-12 दिन के लिए विदेश जाने की लगभग एक तरह से अनुमति दे दी। हमारा कहना यह है कि और जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो नाम दिया जा रहा है कि जैविक खेती के गुर सीखेंगे, जबकि प्रदेश की जनता जानती है ये सीखने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सैर सपाटा है, प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद करने जैसा है। अब तक जितनी भी ये टीमें गई हैं सबका सब रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। हमारा ये कहना है जनसंघर्ष मोर्चा की, ये प्रदेश जो है आज दिवालिया होने के कगार पर है। 31 मार्च 2021 तक इस प्रदेश में बाजारू कर्ज 41,660 करोड़, उसके बाद 21-22 में 3200 करोड़ लिया गया और अभी तक लगभग 46,000 करोड़ रुपए बाजारू कर्ज है। और सारे कर्जों की अगर मैं बात करूं तो 65-70 हजार करोड़ का कर्ज इस प्रदेश पे है, जिस प्रदेश के अंदर ब्याज चुकाने के लिए
कर्ज लिया जा रहा हो, वेतन देने के लिए कर्ज लिया जा रहा हो, ऐसे में सैर सपाटा ही कहाँ की बात है। हम तो ये कहते हैं कि अरे आपको सैर सपाटा करने की क्या जरूरत है, आपको विदेश से कुछ सीखने की क्या जरूरत है, जब आपको फर्जी आंकड़ों के आधार पर नेशनल अवार्ड कृषि के मामले में मिल रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको कुछ करने की जरूरत है। हमारा सरकार से ये कहना है कि ऐसे प्रदेश में जो बिल्कुल कंगाल हो चुका है, बिल्कुल दिवालिया होने के कगार पे, उसको बचाना जरूरी है। और ये विदेशी दौरे जो सीखने के नाम पर ये बाहर भेजे जा रहे हैं इन मंत्रियों को, विधायक को, अधिकारियों को, ये बहुत गलत है। इससे सरकारी धन की बर्बादी होगी और प्रदेश और ज्यादा कर्ज में डूबेगा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।